हालांकि दोनों का जो कलर है आप देख रहे होंगे काफी एक जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजों से बनती है। ये सारा कुछ शेयर करूंगा आपके साथ इस वीडियो में, तो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे दो बॉटल्स पड़ी हैं, एक ओल्ड मॉक रम की और एक मॉर्फस ब्रांडी की। गाइस ये इनका डिटेल रिव्यू नहीं है, इनका डिटेल रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, अगर आपको वो देखना है तो प्लीज आप जो है वीडियो पे विजिट कीजिए। आज मैं बताऊंगा कि क्या है दोनों में डिफरेंस। तो सबसे पहले नंबर पे जो बात करेंगे हम इंग्रेडिएंट्स की, कि रम को बनाने में सबसे मेजर पार्ट कौन से चीज का यूज किया जाता है और ब्रांडी को बनाने में कौन सी चीज का मेजरली यूज किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं पहली पॉइंट की। गाइस पहले बात करूं मैं रम को बनाने में, मैं सिंपल सोबर बातों में अगर आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा जिसको यूज किया जाता है, जिससे रम बनती है, वो है शुगर केन। जी हाँ, शुगर केन के जूस को ही फर्मेंट करके जो है रम को बनाया जाता है। और इंडिया में मोस्टली मोलासिस बेस्ड रम होती है। मोलासिस क्या होता है दोस्तों? मोलासिस होता है शुगर केन से जब शुगर बनती है तो उस प्रोसेस के बाद जो एक पीछे बाय प्रोडक्ट रह जाता है लास्ट में, वो काफी थिक होता है और डार्क ब्राउन कलर का होता है, जैसे कि आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे। उसको फर्मेंट किया जाता है यीस्ट डाल के, और उससे जो अल्कोहल जनरेट होती है वो बिल्कुल आप कह लो क्रिस्टल क्लियर होती है। उसका यूज किया जाता है रम बनाने में। जबकि बात करें हम इसके बारे में, ब्रांडी के बारे में, ब्रांडी को बनाने में जो मेजरली यूज किया जाता है जिस चीज का, वो है ग्रेप से। जी हाँ दोस्तों, ब्रांडी को मेजरली ग्रेप जूसेस को फर्मेंट करके बनाया जाता है, ग्रेप के जूसेस से ही बनती है ये। और जो रम है, रम बनती है गन्ने के रस को फर्मेंट करके बनाया जाता है। तो आप देख रहे हो दोनों में इंग्रेडिएंट्स में कितना ज्यादा डिफरेंस। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, कि दोनों को कैसे पीना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि रम को आप कैसे पी सकते हो और ब्रांडी को कब और कैसे पीना चाहिए। पहले बात करूंगा मैं रम की। गाइस हमारे इंडिया में रम को जो है काफी फॉर्म्स में कंज्यूम किया जाता है, जैसे कि रम को हम कॉकटेल्स बना के भी पी सकते हैं, इसकी हम प्रॉपर ड्रिंक वगैरह सोडा वगैरह मिक्स करके भी पी सकते हैं, या फिर इसको हम नीट भी पी सकते हैं। गाइस इसमें ऐसा कोई लॉ नहीं है कि रम को गर्म पानी में पीना चाहिए या रम की कॉकटेल बनानी चाहिए। जैसे आपको पसंद है कंज्यूम करना रम को, आप उस हिसाब से कर सकते हो। जैसे आपको टेस्ट अच्छा लगे, आपकी फेवरेट जो है ड्रिंक का, आप उसको वैसे ही इंजॉय कर सकते हो। जबकि हम बात करें दूसरी तरफ ब्रांडी की, ब्रांडी दोस्तों एक ऐसी ड्रिंक है जिसको पहले एज अ मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता रहा है काफी टाइम से। इसको एक्चुअल जो है हम अपने मील्स के बाद पीते हैं। जो फॉरनर्स हैं मेजरली इसको जब वो अपना मील ले लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा अमाउंट जो है अपने ग्लास में डाल के ब्रांडी का उसको रूम टेम्परेचर में पीते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों, जो ब्रांडी होती है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को काफी फास्ट कर देती है, और जो हमारा खाना हमने खाया होता है उसको काफी इजीली वो डाइजेस्ट करवा देती है। तो जो ब्रांडी है इसको एक लिमिट में ही पीना चाहिए। कहने का मतलब है कि तभी आपको फायदा देगी जब इसको आप 40-50 ml ही पियोगे एक दिन में। ये नहीं है कि आपने पूरी बॉटल इसकी खत्म करनी है। और दोस्तों इसको पीने का एक डिफरेंट वे होता है। इसमें हमने अपने गिलास में डाल के गिलास को हमको ऐसे पकड़ना होता है कि जिससे हमारी जो हाथों की गर्मी है वो गिलास में जाए, और जो ब्रांडी है इसके वेपर्स और इसके अरोमा जो है उस गर्माहट से, हमारे हाथ की गर्माहट से वो बाहर आए, और उससे जो है हमें इसको पीने में एक बढ़िया एक्सपीरियंस मिले। तो ये दोनों का डिफरेंट वे है दोनों को पीने का।
तो गाइस अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ कि कितनी टाइप्स की रम होती हैं और कितनी टाइप्स की ब्रांडी होती हैं। गाइस काफी टाइप्स की रम मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि आप देख रहे हो ये डार्क रम है, डार्क इंडियन रम, फिर इसमें व्हाइट रम आती है, उसके बाद जमैकिन रम आती है, उसके बाद वेस्ट इंडीज से जो रम आती है। काफी डिफरेंट टाइप्स की रम जो है मार्केट में अवेलेबल है। ऐसा ही कुछ कुछ जो है वो ब्रेंडी के ही केस में सेम यही चीजें लागू होती हैं। जो आपके सामने पड़ी है ये है इंडियन ब्रेंडी, उसके बाद वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस है कोनियक। जी हाँ, कोनियक जो है एक ऐसी ब्रेंडी है जो कि फ्रांस में एक रीजन है कोनियक, वहां से आती है और काफी अच्छी क्वालिटी की उसको माना जाता है। इसमें भी काफी डिफरेंट टाइप्स होती हैं और जो रम है इसमें भी काफी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो कि दोनों की जो शक्ल है इतनी ज्यादा सेम लग रही है, कहने का मतलब अगर मैं दोनों को गिलास में डाल दूं और आपके सामने रख दूं तो दोनों को पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी है रम और कौन सी जो है वो ब्रांडी है। लेकिन दोनों की जैसे मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं कितने ज्यादा डिफरेंसेस दोनों के करेक्टर में है। तो गाइस ये अब आपके ऊपर है कि आप रम पीने के शौकीन हो कि आपको ब्रांडी पीना ज्यादा पसंद है। तो गाइस अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो ये तो थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन, चीयर्स, पियो और जियो।